दोस्तों, मैं हूं गजाल अंसारी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। इन दिनों रणबीर कपूर की फिल्म रामायण खूब चर्चा में है। कई साल के इंतजार के बाद आखिरकार इस साल इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और रणबीर कपूर फिल्म रामायण की शूटिंग में जबरदस्त तरह से बिजी हैं। अभी तक मेकर्स ने इस रामायण की ऑफिशियल अनाउंसमेंट शेयर नहीं की है, लेकिन फिल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी का लीड रोल कई बार रिपोर्ट्स में आ चुका है। जहां फिल्म के सेट से अनदेखी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो वहीं कास्ट को लेकर फैंस के बीच एक अलग ही चर्चा चल रही है। लेकिन इन सबसे बड़ी खबर जो अब सामने आई है, उससे इस फिल्म के लिए जनता की एक्साइटमेंट को बिल्कुल अलग लेवल मिल जाएगा। दरअसल नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी रामायण पार्ट वन इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है, जिसका बजट 100 मिलियन USD होगा। वहीं भारतीय रुपए में इसका बजट देखा जाए तो फैंस भी कहेंगे इतने में तो कई गदर बन जाएगी। दरअसल बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने कहा है कि रामायण एक फिल्म नहीं है बल्कि इमोशन है और मेकर्स कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं इसे दुनिया भर में दिखाने के लिए। इसी सूत्र ने बताया है कि नमित मल्होत्रा, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने रामायण पार्ट वन के लिए USD 100 मिलियन यानी कि 835 करोड़ का बजट रखा है, जबकि ये फ्रेंचाइजी बढ़ने पर बजट भी बढ़ जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत की सबसे बड़े बजट की फिल्म होगी। सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया, रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं है और मेकर्स इसे एक ग्लोबल स्पेक्टेकल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, जो ऑस्कर विनिंग फिल्मों में VFX और स्पेशल इफेक्ट पर काम कर चुकी कंपनी DNEG के CEO भी हैं, अपना पूरा ग्लोबल अनुभव रामायण को एक शानदार प्रोजेक्ट बनाने में लगा रहे हैं। सूत्र ने आगे कहा कि $100 मिलियन बजट सिर्फ रामायण पार्ट वन के लिए है और वो फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के साथ इसे और बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। आइडिया ये है कि रणबीर कपूर के भगवान राम वाले रोल के साथ ऑडियंस को एक शानदार विजुअल ट्रीट मिले। रणबीर कपूर की साल 2022 में आई फिल्म ब्रह्मास्त्र 450 करोड़ के बजट में बनी थी, जो कि महंगी हिंदी फिल्मों में से एक थी। वहीं रामायण के बजट के साथ दूसरी उनकी सबसे महंगी फिल्म है। वहीं इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में 600 दिन का समय लगने वाला है, जो कि फैंस के दिलों में एक्साइटमेंट बना रहा है। आपको बता दें कि पठान का बजट 240 करोड़ का था, जबकि जवान का बजट 370 करोड़ तक पहुंचा था। वहीं पुष्पा 2 का बजट 500 करोड़ का बताया जा रहा है, जो कि रामायण से भी कम है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर रिजल्ट क्या होगा, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा कि फैंस को ये फिल्म कितनी पसंद आती है। रिपोर्ट की माने तो रामायण पार्ट वन की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। मेकर्स ने अब इस फिल्म को अक्टूबर 2027 को रिलीज करने का अहम फैसला लिया है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।